नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लेकर के आया हूं, जिससे रेशनल नंबर का कोई भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले जो हमने रेशनल नंबर चेक करना बताया था वो आपका क्लियर हो चुका था। इसके बाद कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर, कोई दो संख्याएं यदि दी हैं और उसके बीच में चार रेशनल नंबर पूछ लिया जाए, कोई दो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में पांच रेशनल नंबर पूछ लिए जाएं, तो उसका कोई ट्रिक बनाइए। तो दोस्तों, आइए धमाकेदार और सुपर फास्ट ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर यदि शिक्षा को आसान बनाना है तो हमारे सारे वीडियो देख लीजिए, मैथ और रीजनिंग आपको हलवा लगने लगेगी, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सुपर फास्ट ट्रिक। सभी बच्चे ध्यान से देखें, डायरेक्ट ये हेडिंग है, ध्यान से देखिए, टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई दो संख्या या कोई दो संख्याएं हमें दी होंगी, उसके बीच में आपसे पांच संख्याएं, चार संख्याएं, तीन संख्याएं कुछ भी पूछ लेगा। क्लियर? जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें, मान लेते हैं कोई संख्या एक्स दी गई है और कोई संख्या वाई दी गई है, तो दोस्तों इसके बीच में पूछा जाता है कि कितनी रेशनल नंबर होंगी या मिडिल टर्म होंगे, रेशनल नंबर वन, रेशनल नंबर टू, रेशनल नंबर थ्री, डॉट 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 कितनी, अनंत। वैसे तो दोस्तों दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल नंबर हो सकती हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है दो, चार, पांच, छह। क्लियर? तो आइए, कोई नियम नहीं, बस जितना मैं बता रहा हूं उसी को अप्लाई कर दीजिए, देखते ही आंसर आपका आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, फाइंड फाइव रेशनल नंबर गिवन वन एंड टू। क्लियर? वन एंड टू, जरा देखो, एक और दो के बीच में आपको पांच रेशनल नंबर बतानी है। रेशनल मतलब जैसे P अपान Q के रूप में लिखा जाए। आओ चेक करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सीधे सुपर फास्ट ट्रिक अप्लाई करना है। देखिए, केवल आपको ध्यान रखना है कि कितनी संख्याएं पूछा है, यानी कि N इज इक्वल टू पांच। N फॉर क्या है? नंबर। अब कुछ नहीं करना है, इसमें यह दिया गया है, इसमें अपना दिमाग लगाइए, n प्लस वन फाइंड आउट कर लीजिए। n आपको दिया है, n प्लस वन फाइंड आउट कर लीजिए, तो n प्लस वन क्या होगा दोस्तों? फाइव है ना, फाइव प्लस वन, यानी कि फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स हो गया। क्लियर? बस एक चीज ये समझ लीजिए, आपको नंबर दिया है, क्लियर, आपने एक जोड़ करके छह कर लिया, पांच था। अब इसकी दूसरे स्टेप पे पहली संख्या उठा लेनी है, पहली संख्या कितनी है? वन। अब इस वन को n प्लस वन से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। n प्लस वन का मान यहां पर कितना है? सिक्स अपान सिक्स। क्लियर? n प्लस वन का मान निकाल लिया है, या n प्लस वन से नीचे ऊपर गुणा करिए, इज इक्वल टू, इसको अगर देखेंगे तो बोलो क्या होगा? छ अपान छ होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब इसका अंतिम पद ले लीजिए तीसरे स्टेप पे, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, सारी वैल्यू बाहर हो चुकी है दोस्तों। देखिए, अब यहां पर 2 इंटू ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 अपान 6 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, यहां पर 12 बटे 6 नोट कर लो। क्लियर? अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में वैल्यू चाहिए ना, और इन दोनों के बीच में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इनके बीच का जरा डिफरेंस देखो, वन है ना, तो आप इसके आगे का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो वन के लिए हम क्या कर दें? यहां पे संख्या लिख दीजिए, जरा देखो, ऊपर अंश में छह है ना, तो आगे क्या होगा? सात, फिर क्या होगा? आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह तक चलेगा, और नीचे की वैल्यू छह ही रहेगी। तो दोस्तों छह यहां पर दिया गया है, छह बटे छह, तो बताओ पहली संख्या क्या मिलेगी? सात बटे छह, फिर क्या मिलेगी? आठ बटे छह, फिर क्या मिलेगी? नौ बटे छह,
फिर क्या मिलेगी 10/6 और क्या मिलेगी 11/6 और लास्ट में क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है 12/6। तो जरा ये संख्या का मान बोलो कितना होगा, 1 है ना, और लास्ट में दोस्तों इस संख्या का मान बोलो कितना है, 6 × 2 = 12, 2 है ना, और इसके बीच की जो संख्याएं हैं कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं पूछा था ना, यही दोस्तों वो 5 संख्याएं होंगी। क्लियर, 1 2 3 4 5 देन आंसर, कुछ नहीं करना, किसी की मत सुनिएगा, बस जैसे मारो देखते ही आंसर मार दीजिए, खटाक से आंसर बाहर। एक बार फिर समझाता हूं, जितना दिया है n का मान दिया है 5 निकालनी है, एक अपने से जोड़ करके n+1 का मान निकालो। दूसरा स्टेप, पहली वाली संख्या को उठा लो, उसमें ऊपर नीचे n+1 से गुणा लगा दो, n+1 का मान ये है, ये मान आ गया, और अंतिम पद में भी वही काम करिए, n+1 से ऊपर नीचे गुणा लगा दीजिए, ये मान हमारा अगर देखा जाए तो 1 है ना, ये मान देखा जाए तो 2 है ना, इन्हीं दोनों के बीच में क्या चाहिए, बस ये देखना है कि इन दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है, उतने ही डिफरेंस की संख्याएं हमको ले लेनी है। जरा देखो यहां पे कितना होगा, ऊपर 6 है तो आगे क्या होगा, 6 से लेकर के कहां तक अंश चलेगा, अंश का मान 6 है यहां पे स्टार्टिंग में और अंत में 12 है, तो क्या होगा 7 8 9 10 11, और ये क्या हो जाएगा 12, और नीचे का मान सेम रहेगा। क्लियर, यही आंसर हो गया। क्लियर, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, विद इन सेकेंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जल्दी फास्ट करते हैं। देखिए अगर यहां पर मान लेते हैं 3 और 4 कर देते हैं कुछ देर के लिए, यहां भी हटा देता हूं, यहां भी हटा देता हूं, अब हमने आपसे बोल दिया 4 कर देते हैं, 3 और 4 के बीच में केवल 4 संख्याएं बतानी है, बता दीजिए फटाक से आंसर बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या लेना है, n = कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है, अब हमें क्या निकालना है, n+1 कितना होगा, 4+1 = 5 होगा, हमने n प्लस ये दिया है, ये हमको एक जोड़ के अपने आप निकाल लेना है। दूसरा स्टेप, पहली संख्या उठा लो 3 और 3 को ऊपर नीचे 5 से गुणा लगाओ, तो 3 × 5/5 = 5 × 15 दोस्तों, 15/5 हो गया। अब दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, अंतिम पद कितना है, 4 में किससे लगाइए, 4 × 5/5 और इसको कर देंगे तो 5 × 20/5 हमारा आंसर आ चुका है, हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, बस ये चेक करो इसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, ये कई बार आपका टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी आया है, कितना डिफरेंस है, 1 है, यानी कि 1 का डिफरेंस हमको चाहिए। ये बताओ 15 से स्टार्ट करना है और कहां तक चलना है, 20 तक, तो 15 के बाद बोलो कितना आएगा, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 और 20 तो दिया है ना, यही वो 4 संख्याएं होंगी। जरा देख लो, 15/5 पहले रहा होगा और दोस्तों 20/5 बाद में रहा होगा, इसका मान जरा देखो 5 × 15 = 3 होगा, इसको भाग देंगे तो 5 × 20 होगा, इसके बीच की संख्याएं कितनी हैं, देख लीजिए 4 संख्याएं, यही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आइए फिर देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, कोई भी संख्या दी गई है बस 3 स्टेप पे बाहर, सुपर फास्ट ट्रैक। आइए नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, फटाक से दूसरा प्रश्न पे लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मान लीजिए यहां पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहां पर हमको मान लीजिए 3 डिजिट लेना है। क्लियर, क्या लेना है, 3 रेशनल या 3 रेशनल नंबर। क्लियर, यहां पर ले लेते हैं 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 5, पूछा गया प्रश्न है। अब 3 रेशनल नंबर, फिर से अपना वही वर्क, पहला स्टेप क्या बोलता है, n = 3 और इसमें क्या लेना है, n+1 लेना है, n+1 क्या होगा, 3+1 = 4 निकाल लिया हमने, 3 दिया है एक जोड़ करके, n+1 फाइंड आउट कर लो। दूसरा स्टेप क्या कहता है, पहले अंक को उठा लो 2 को और 2 में ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 × 4/4। क्लियर दोस्तों, कर दीजिए 4 × 2 = 8, 8/4 ये रेशनल नंबर मिली फर्स्ट से। लास्ट वाले को चलो, लास्ट वाला क्या है, 5, तो दोस्तों 5 × 4/4 कर दो, यहां पर देखेंगे 5 को 20/4,
क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दोनों के मिडिल में वैल्यू चाहिए, इन दोनों के बीच में वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो आइए लिख देते हैं बीच की वैल्यू। बस अब चौथे स्टेप पे क्या याद रखना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों इनका डिफरेंस जरा देखो, d इज इक्वल टू कितना है, इनका डिफरेंस तीन है, डिफरेंस कितना है तीन, यानी कि हमको तीन तीन का डिफरेंस लिख देना है। तो दोस्तों आठ है ना, पहली वैल्यू कितनी है, आठ बटे चार है, क्लियर। अब इसकी मान तो आप जानते हो कि ये वैल्यू दो होगी, और ये आप जानते हो चार पंचे पांच होगी, ये तो लेना नहीं है। अब इसके बाद जो आएगा वो उसके मिडिल में होगा, तो आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बटे चार, फिर बारह तेरह चौदह, चौदह बटे चार, फिर पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह बटे चार, अठारह उन्नीस बीस, क्या होगा बीस बटे चार। हमें क्या चाहिए, ये तीन संख्या चाहिए, देन आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, चार दूना आठ, इसको कर देंगे चार पंचे, क्लियर। यही तीन संख्याएं दोस्तों हैं, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। कितना आसान है दोस्तों, टेट में पूछा जाता है अक्सर, एग्जामों में यह प्रश्न पूछा होता है कि बताइए आठ और इसके बीच तीसरी संख्या क्या होगी, तो चौदह बटे चार होगी, क्लियर। इनके बीच की तीसरी संख्या क्या होगी, तो बीच में क्या होगी, सत्रह बटे चार होगी, क्लियर। विद इन सेकेंड आंसर मारने के लिए तैयार। आइए नेक्स्ट करते हैं जो एग्जाम में और पूछा गया है, क्लियर दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं जल्दी फास्ट। देखिए फिर थोड़ा सा यहां पर भी हटा रहा हूं, सिर्फ यहां हटा रहा हूं। देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ है, देखिए जल्दी से ध्यान से। एक इस तरीके का यदि प्रश्न अगर आपको दे दे तब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए सभी बच्चे। अगर यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, अगर यहां पर दिया गया है फाइंड आउट द फाइव, आया हुआ है अगर आपको फ्रैक्शन में दे दे, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन, यहां पर है तीन बटे पांच और यहां पर दिया गया है चार बटे पांच, क्लियर। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप क्या बोलता है, पांच है तो n की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी है, पांच है दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, n प्लस वन, और n प्लस वन क्या हो जाएगा, पांच में एक जोड़ोगे, पांच धन वन इज इक्वल टू छह। अब स्टेप नंबर दो क्या कहता है, पहले पद को उठा लो, तो पहला पद क्या कहता है, तीन बटे पांच में n प्लस वन से ऊपर नीचे गुणा लगा दो, तीन बटे पांच इंटू छ अपान छ लगा दीजिए, छह त्रिक अठारह और यहां पर छह पंचे तीस पहली संख्या, और तीसरी स्टेप क्या कहता है, अंतिम पद को चार बटे पांच में चार बटे पांच को क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा लगा दो, छह बटे छह सॉल्व कर लीजिए, छह चौको चौबीस, नीचे छह पंचे तीस, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के मिडिल में चाहिए। जरा डिफरेंस निकाल करके देखो दोस्तों क्या आएगा, वन ही आएगा या एक बटे ही तो आएगा, डिफरेंस निकाल के देखो, चार बटे पांच माइनस क्या हो जाएगा, तीन बटे पांच, पांच कॉमन एक ले लेंगे, यानी कि वन में ही डिफरेंस आ रहा है, हरों का डिफरेंस क्या है, वन में ही है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, वन का आप भी कर दो, ये बताओ अठारह है तो क्या लेना होगा, उन्नीस आएगा तो यहां पर क्या होगा, उन्नीस बटे तीस, फिर क्या होगा बीस बटे तीस, फिर क्या होगा इक्कीस बटे तीस, फिर क्या होगा बाईस बटे तीस, फिर क्या होगा दोस्तों तेईस बटे तीस, और इसके पहले जो है बताओ क्या था, अठारह बटे तीस, और ये क्या था चौबीस बटे तीस। तो इसके बीच में देख लीजिए दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, एक दो तीन चार पांच संख्याएं हैं, क्लियर। तो अगर ये भी दिया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरीके का भी प्रश्न आपको पूछ लेता है, यदि सीधा सीधा दिया है तो भी आप कर लेंगे, यदि फ्रैक्शन में दिया है तो भी आप कर लेंगे, और यदि कभी निगेटिव में दे दे तो भी आइए आप देख लेते हैं उसे भी कर लेंगे विद इन सेकेंड। आइए देखते हैं दोस्तों, नियम रूल सब भूल जाओ, बस इसको डायरेक्ट लगाइए आंसर बाहर। देखिए दोस्तों क्या करना है, एक प्रश्न है फोर, फोर रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू माइनस वन, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है माइनस टू माइनस वन।
आइए देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप जल्दी बोलो क्या करना है, n इज इक्वल टू 4 है, लेकिन हमें क्या निकालना है, n प्लस 1, तो दोस्तों 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, क्लियर। पहला दूसरा स्टेप, पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, पहले ये बताओ माइनस 1 बड़ा है कि माइनस 2 बड़ा है। तो दोस्तों माइनस की जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, कहने का मतलब माइनस 2 नहीं क्या है, माइनस 1 बड़ा होता है, क्लियर। तो माइनस 1 बड़ा है, चलिए देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 में n प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, माइनस 2 इंटू 5/5, क्लियर। तो 5 दूनी 10, माइनस का 10/5, क्लियर। तीसरा स्टेप क्या कहता है, अंतिम पद को ले लो माइनस 1, यहां पे माइनस 1 इंटू ऊपर 5/5 कर दोगे, 5/5, लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए कि इनके बीच में 4 वैल्यू कौन सी होगी। तो दोस्तों देख लीजिए माइनस 10/5 है ना, और डिफरेंस अगर देखेंगे तो 1 का आएगा, तो इसके बाद बोलो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो ऊपर 10 है तो क्या होगा, माइनस का 9/5, फिर घटेगा माइनस का 8/5, फिर घटेगा माइनस का 7/5, फिर घटेगा माइनस का 6/5, और लास्ट में हमारा क्या होगा, यही तो आपसे 4 वैल्यू पूछी थी, लास्ट में माइनस का 5/5, क्लियर। इसकी वैल्यू आप जानते हो दोस्तों माइनस का 2, और इसकी वैल्यू आप जानते हो माइनस का 1 होगा, क्लियर। यही 4 हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई, क्लियर। तो दोस्तों कोई भी आपको दिया है, जनरल दिया है, डिफरेंस दिया है, क्लियर, डिफरेंस दिया है, माइनस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, कोई भी वैल्यू आपकी कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो आइए, ये तो था दोस्तों शॉर्टकट। अब कुछ बच्चे जब इसको ना समझ पाए तो उन बच्चों के लिए भी मैं एक नया तरीका बता देता हूं। आइए देखते हैं, उन बच्चों के लिए भी एक तरीका बता देता हूं, आइए देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। जैसे इसी प्रश्न को ले लेते हैं, 4 रेशनल नंबर मान लेते हैं सिंपल 1 और 2 के बीच, क्लियर। दोस्तों करना क्या है कि दो संख्याओं के बीच n संख्या, n रेशनल नंबर जब निकालना हो तो होना क्या चाहिए, हमेशा x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए, y का मान बड़ा हो। तो करते क्या है, n फॉर 2, 4, 6, 8 कुछ भी, दो संख्याओं के बीच n रेशनल नंबर निकालना हो, n फॉर 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो यहां पर d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1, d फॉर डिफरेंस, ये निकाल देंगे, d के y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, n जो आपसे पूछा है, n फॉर नंबर जो आपसे पूछा है, जैसे यहां 4 पूछा है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे कि जो हमारी पहली संख्या है वो x है, दूसरी तो ये हमको दिए गया है x का मान, पहला मान, दूसरा हमारा x प्लस d होगा, दूसरा मान x प्लस d होगा, लेकिन मिडिल वन रेशियो, मिडिल क्या होगा, 1, पहली मिडिल में, दूसरा क्या होगा, x प्लस 2d होगा, फिर क्या होगा, x प्लस 3d होगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, यही सिलसिला चलता रहेगा x प्लस n d तक, क्लियर, x प्लस n d तक, और लास्ट में क्या होगा, y होगा। ये आपकी मिडिल की संख्या है, पहली मिडिल संख्या, दूसरी मिडिल संख्या, तीसरी मिडिल संख्या, डॉट डॉट n मिडिल संख्या, क्लियर। अब दोस्तों ये फार्मूला है, कोई भी संख्या उठा के आप इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर सदैव सत्य होगा, क्लियर। आओ दिखा देते हैं छोटा सा जल्दी से, d हमें इसको d मान लो, इन दोनों में निकालना है, क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, यहां 4 है, 4 में 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1/5, ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, पहला निकालना है, तो पहली वैल्यू अगर हमें निकालना है तो जरा देखो x प्लस d होता है ना, यहीं पर रख देता हूं समझने के लिए, x की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, 1/5 रख दीजिए, इसको सॉल्व करिए, 5 एक कम 5 और 1 6, यानी कि 6/ कितना होगा, 5 होगा। अब आगे चलो, यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दिया है, प्लस 2/5 होगा, 5 एक कम 5 2 7/5, इसका मान 7/5 होगा, देख लीजिए 6 7 8 9 10 चलता रहेगा, क्लियर, वैल्यू पुट करते जाओ मान आपका आता रहेगा, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं
कि आज आपका ये रेशनल नंबर भी क्लियर हो गया। इसके पहले मैंने एक रेशनल नंबर चेक करने का वीडियो बताया था, दुनिया की कोई भी रेशनल नंबर हो आप मुझे भेजो, मैं उसको जरूर बता दूंगा कि कौन सा रेशनल है और कौन सा रेशनल है, या उन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। ये सुपर फास्ट ट्रिक अपने पास रखिए दोस्तों, आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि शिक्षा को आसान बनाना है, मैथ और रीजनिंग को एकदम आसान बनाना है, सिंपल बनाना है, तो दोस्तों हमारे सारे वीडियो देख जाइए। मैं वादा करता हूं मैथ और रीजनिंग आपको इतनी आसान लगने लगेगी कि सब सब्जेक्टों से सबसे सरल मैथ और रीजनिंग लगेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।